एशियाई गेम्स में भारत ने रेसलिंग में अब तक 5 मेडल जीत लिए हैं, लेकिन भारत अभी तक रेसलिंग में गोल्ड या सिल्वर मेडल नहीं जीत पाया है। और भारत के कई बड़े रेसलर जैसे बजरंग पुनिया को तो खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा है। वैसे भारत के पहलवान दीपक पुनिया ने अपने लिए सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। उन्होंने अपने सेमीफाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के रेसलर ग्रैपलर शेपिव को 4-3 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और अब उन्हें गोल्ड मेडल के लिए ईरानी रेसलर हसन यजदानी से मुकाबला करना है। लेकिन एक गोल्ड मेडल की लड़ाई दीपक पुनिया के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ईरानी रेसलर हसन यजदानी काफी जाने माने रेसलर हैं। हसन यजदानी के नाम 2016 ओलंपिक्स गोल्ड मेडल से लेकर 3 बार मतलब 2017, 2019 और 2021 में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। दूसरी तरफ है भारत के दीपक पुनिया, जिन्होंने अपना आखिरी मेडल 2022 बर्मिंघम 86 kg एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। तो ये तो तय है कि दीपक पुनिया के लिए फाइनल मैच आसान नहीं होने वाला, लेकिन गोल्ड मेडल का मैच आसान कभी नहीं होता और एक चैंपियन को हरा कर ही चैंपियन बना जाता है। अगर आपको ये मैच देखना है तो शाम को 3:30 बजे सोने लिफ्ट पर लाइव देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या दीपक पुनिया गोल्ड मेडल जीत पाएंगे? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।